अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये पहली वीडियो है जो अपनी आवाज़ में। आज जो है हम ये दोनों टीमों की बात करेंगे जो आज मैच है 20 तारीख को। और सबसे पहले अभी पॉइंट टेबल देखते हैं दोनों टीमों का कि क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, सुपर लीग की टीम जी बी टी ने एक मैच खेला और एक ही जीता है। और इसी तरह आप देख सकते हैं सारी टीम्स के मैच और उनके मतलब ऐसा 10 और 4 मतलब ये अगेंस्ट ही पॉइंट्स और वगैरह वगैरह। अब ग्रुप जो है ना, फिर ये आगे दो ग्रुप्स में हो गई हैं, एक ग्रुप ए में हो गई और एक ग्रुप बी में हो गई। तीन तीन मैच खेल चुकी है, जो सबसे ज़्यादा जो जीती है डी जे जीती है, डी जी अच्छा तीन मैच जीती है खेली है, दो जीती है एक हारी, और इसके 4 पॉइंट है इस तरह फिर, और एक एक। और यहाँ पे मराठा जो है ना, वो ग्रुप बी में जो है ना, वो 3 मैच खेली 2 जीती है। तो ये देख सकते हैं वो टॉप पे हैं ये दोनों टीमें, डी जी और मराठा डी एम है, ये दोनों टॉप में। अभी देखते हैं जी जो आज का मैच है उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि ये मैच होगा स्टार्ट जो है ना तकरीबन 4:30 बजे पाकिस्तान के टाइम पे, 4:30 बजे स्टार्ट होगा मैच। और ये दो टीमें इनकी, वो देखते हैं कि खिलाड़ी कौन कौन से। मेरे लिहाज से तो मुझे तो लगता है यार कि कर्नाटक का जो है ना, इसके अब देखते हैं, एक मैच ये जीती है पहला मैच, फिर दूसरा हार गई है, तीसरा भी हार गई है, अभी इसका ये चौथा मैच होगा। अभी देखते हैं क्या होगा, तो दूसरी का भी देख लेते हैं यार। मराठा के साथ इसका मैच है, मराठा अरेबियन के साथ, तो देखते हैं मराठा अरेबियन कितने मैच जीती है कितने हारी है। पहला मैच मराठा अरेबियन हारी है 9 विकेट से, वही वॉरियर के साथ था। और जो है ना दूसरा जीती है, तीसरा भी जीती है, और आज ये चौथा मैच है। मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि ये जो है ना वो कम बैक करेंगे कर्नाटका वाले, तो मुझे लग रहा है कि वो जीतेंगे कर्नाटका वाले। तो आप भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपकी कौन सी टीम फेवरेट है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो, और आप मुझे बताएं लाइक करके कमेंट करके कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, तो फिर ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।